नमस्कार। आज आप तो बिल्कुल मतलब मैंने लोगों से अभी पूछा, डॉक्टर आप लोगों में से कितने लोग ऐसे लग रहे हैं कि आपको अभी स्ट्रेस है, नहीं है। आज हमारा टॉपिक स्ट्रेस से रिलेटेड है। आप तो बिल्कुल डिस्ट्रेस लग रहे हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं आज। अच्छा, इज इट द न्यू हाउस और इज इट यू? रिलैक्स, थोड़ा मैं रिलैक्स। पैर में सो गया था मैं। अच्छा चलिए, यू हैड अ गुड डे। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी समटाइम्स। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी कि भाई बॉडी क्या चाहती है। नीड सम स्लीप एंड यू माइट नीड सम फ्रेशनिंग अप। कभी आउटिंग जाना चाहिए, कभी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। राइट। सो डॉक्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि स्ट्रेस में बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है। हम हमेशा बहुत सारी चीजों की बातें करते हैं या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपने क्लासेस में कहते हैं, तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं डॉक्टर कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो वाकई में स्ट्रेस की वजह से होती है। टेक्निकली तो हर क्रोनिक बीमारी स्ट्रेस की वजह से होती है, क्वाइट फ्रैंकली। ओके, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है उसमें। ओके, उसको आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आज एक सवाल आया था आज मुझे, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन में। हाँ, स्ट्रेस्ड है, यही सवाल आया था। बल्कि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो क्या वो मुझे बीमार कर देगा? एक दिन का स्ट्रेस आपको बीमार नहीं करेगा। एक दिन का डिप्रेशन भी आपको बीमार नहीं। कई लोग कहते हैं स्ट्रेस है नहीं, डिप्रेशन है। डिप्रेशन भी आपको बीमार नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ फीलिंग लो वाली चीज हो गई। आप मे बी यू आर नॉट यू नो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो चीजों में, सो यू इग्नोर थिंग्स। एक आध दिन से कुछ नहीं होता, दो दिन हो गए कुछ नहीं होता। बट इसी को अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो व्हाट हैपेंस दैट यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर अदर्स। फर्स्ट यू स्टार्ट इग्नोरिंग अदर्स, देन यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर सेल्फ, देन यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स। खाना नहीं खाना, खाना तो उल्टा सीधा खाना है ना, और दबा दबा के अपना क्या नाम है, आइसक्रीम खानी है, मीठा खाना, या कुछ पेप्सी कोल्ड ड्रिंक या पिक्चरें देखते जाने। सो यू गो एक्सट्रीम। कुछ लोग दारू पीना, कुछ लोग है ना पूरा रात रात भर पबजी खेलो, या रात रात भर टीवियां देखो, मूवीज देखो, राइट, या कुछ भी, समथिंग एक्सट्रीम यू स्टार्ट डूइंग। एंड व्हेन यू नींद भी नहीं आती। हाँ, आती भी नहीं है, वो भी है। बट द पॉइंट दैट एक्सट्रीमिटी एंड दोज एक्शंस विल हैव सम रिपरकशंस, है ना, रिपरकशंस होंगे उनके, और वो धीरे धीरे आपकी बीमारी बढ़ाएंगे। और कोर्टिसोल भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बैड लाइफस्टाइल विल लीड टू सिम्टम्स, देन आपका सीरम कोर्टिसोल लेवल है जो स्ट्रेस के वजह से बढ़ता है, एंड हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल लीड टू योर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें। इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार एट 100 प्लस स्पीड, सो नोबडी कैन स्टे सेफ व्हाइल डूइंग दैट। राइट, स्पीड में हमेशा गाड़ी चलाओगे कभी तो ठुकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने जो सवाल पूछा था अपने व्यूअर्स से, उसमें जोए कह रहे हैं इज फीलिंग एज लाइट एज कॉटन, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इवन अभिषेक शर्मा योर सेज दैट आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स वंडरफुल। रितेश पाटिल नमस्ते, शिल्पा नमस्ते, शिल्पा यू आर न्यू टू गोकी इट सीम्स, वेलकम टू द गोकी फैमिली। हर्षद कन्नन हेलो हर्षद, सैयद मसूद हाय, संजय कुमार हेलो। NN है यहाँ पर, वो पूछ रहा है डॉक्टर कि कैन हार्मोनल इंबैलेंस हैपन ड्यू टू स्ट्रेस? दैट्स वन ऑफ द बिग थिंग्स। कॉर्टिसोल बढ़ तो रहा है, कॉर्टिसोल इज योर हार्मोन, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, सो दैट इज अ हार्मोनल इंबैलेंस हैपनिंग देयर एंड देन। राइट, इसके अलावा योर टेस्टोस्टेरोन्स विल गेट लो, योर फीमेल है तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, योर साइक्लिक हार्मोनल चेंजेस विल गेट अफेक्टेड, योर थायराइड हार्मोन विल गेट अफेक्टेड, so every single thing in your body will get affected. Your energy levels will get low, you'll get weak. Right, your euphoric, आपके brain के अंदर आपके serotonin hormones, आपके dopamine, वो सब कम हो जाएंगे. So you change in hormones will happen because of your stress, tension. Right. So doctor, इससे fertility पे भी असर होता होगा? Absolutely.
इसलिए तो कहते हैं मदर को खुश रहना चाहिए. अगर मदर खुश नहीं है, होने वाली मदर खुश नहीं है, इट पुट्स बैड इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. दैट्स ट्रू. दैट्स नॉट नॉट अ साइकोलॉजिकल थिंग. ये सोचा सोचा बेकार, ऐसा नहीं. उसका साइंटिफिक बेसिस है. आपके कॉर्टिसोल, आपके हॉर्मोन, आप अपने आपका स्ट्रेस लेवल अगर कम है, तो अगर स्ट्रेस लेवल कम है, दैट इज द बेस्ट. बिकॉज इसलिए मदर को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है. ओके डॉक्टर, दिस इज द आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड. लेकिन प्रेगनेंसी से पहले मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की क्षमता में भी फर्क पड़ता होगा, isn't it? Yeah, obviously. So they produce. जब हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, तो दैट अफेक्ट्स योर स्पर्म क्वालिटी, लिबिडो, योर लिबिडो, योर स्पर्म क्वालिटी, योर एवरीथिंग, सारा कुछ अफेक्ट करता है. अगर कोई छुपी बीमारी है, एवरीबॉडी हैज, कोई ना कोई हर चीज का एक स्केल होता है, हर चीज का एक ग्रेड होता है, राइट? आपके अंदर हर बंदे के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा है, हर बंदे के अंदर थोड़ा बहुत कोई ऐसी बीमारी होती है जो उसकी उसके बॉडी, उसकी हेल्थ, उसकी लाइफस्टाइल ओवरकम करके बैठी होती है. एंड यू फॉल इनटू अ डिप्रेसिव फिट और स्ट्रेस, और वो बीमारी जो है वो ऊपर आ जाती है, दिक्कत करने लगती है. बिल्कुल. सेम थिंग कैन हैपन विद योर हॉर्मोन्स, विद योर सेक्सुअल लाइफ, विद योर with your pregnancy, with your ability to conceive, बहुत सारी problems. Right. So technically, Zoe is saying technically सारी बीमारियां हो सकती हैं stress से. तो yes, doctor साहब ने यही बताया अभी. Shivu is saying hello, little baby wants to come. Yes, he has been on the show many a times. I'm sure आज भी वो उनका मन कर रहा है आने का. मनिंदर कह रहे हैं सर, इज अश्वगंधा न्यूरो हर्ब्स गुड फॉर लोअरिंग स्ट्रेस? यस, अश्वगंधा इज एन एडेप्टोजन. इट्स आयुर्वेदिक और सम प्लांट एक्सट्रैक्ट. अश्वगंधा प्लांट का रूट जो है, उस रूट के, उसकी जो स्टेम है, रूट है, उसके जो उसका जो पाउडर होता है, दैट इज वेरी गुड टू लोअर योर स्ट्रेस. इट लीड्स, इट इंक्रीजेज योर, it stabilizes your hormonal imbalance, testosterone level, estrogen levels ko help karega. It is a very good supplement which can be used for stress basically. Okay. So ayurveda, okay. ayurveda mein literally ek general tonic ke jaisa istemal hota hai, kisi ko bhi de do aisa hai. acha. nn puch rahe hain, can stress during pregnancy increase chances of adhd in a child? This is a very लंबा चीज बोल दिया हमने, मतलब इसको हम इस तरह से रिलेट स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? किसी ने आजकल इस पे स्टडी नहीं करी है कि भाई अगर हम ऐसे लोग लें जिनके प्री प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस है और उनको आगे चल के ADHD हुआ है, या क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, ऐसा किस किस को आप वो करोगे, कैसे टारगेट करना पड़ेगा, आपको ADHD वाले पेशेंट्स को पकड़ना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा आपको स्ट्रेस था क्या? अब उनके दिमाग में हाँ मेरे को स्ट्रेस था, हाँ मेरे को स्ट्रेस था, क्या मेरे को स्ट्रेस था? वो बिलीवेबल फैक्ट नहीं हो गया. यू डोंट नो वेदर दैट इज ट्रू. हाँ, बट यस, ऐसा भी नहीं है. ओवरऑल डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा. एंड यस, दैट्स ट्रू कि जो आप प्रेगनेंसी के दौरान आपके ऊपर बीतता है, जो आप करते हो, लिटरली जो आपको खाना अच्छा लगता है, that seems to have an effect on the child's, बच्चे की जो psychology होती है, बच्चे का जो उसको taste buds होते हैं, उसको भी वही चीजें अच्छी लगती हैं. That's true. हाँ, right. Some way true. बिल्कुल. हाँ हाँ. So doctor, अभी हम बात कर रहे थे कि जितनी भी हमने बीमारियों की बात की है, mostly physical बीमारियां हैं. अब अगर stress का हम mental असर देखने लगे या wellness पर हम अगर असर देखें, तो बहुत सारी मेंटल जो बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, वो स्ट्रेस की वजह से ही शुरू होती है? नॉट रियली. स्ट्रेस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो यू विल हैव स्ट्रेस एंड एवरीबॉडी शुड हैव स्ट्रेस. तो हाँ, सेंडिंग अ चाइल्ड टू अ स्कूल इज पुटिंग द चाइल्ड, तो ना अपने आप में हम उसको स्ट्रेस पे डालते हैं, राइट? वी आर कम्पीट, कॉम्पिटिशन ये है. सो स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड इफ यू ओवरकम इट. That's the thing. अगर आप उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, then there is a problem. Then you fall short. And if you then don't have proper support, साइड में support नहीं है कि यार तुम कोई बात नहीं, अगर नहीं, ये मैं कई बार लोगों को बताता हूँ ऐसा एग्जाम्पल ना, कि
इट्स लाइक इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग राइट. आपको पानी में फेंक दिया, आप डर के बाहर आ गए, अरे बाप रे मैं तो पूल में डूब जाऊंगा. अब आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले हो, अकेले स्विमिंग सीखना है और आपके पास में या तो समुन्द्र है या तालाब है या चाहे स्विमिंग पूल भी है, तो भी आप अपने हिम्मत करने में डर रहे हो. सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. 10 में से 5 लोग बोलेंगे अरे छोड़ो कौन करेगा. सो दैट्स हाउ एंड आफ्टर मे बी आफ्टर सम टाइम आपको फिर मौका मिले, जो 2 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद, एक एक ट्राई आप मार रहे हो, यू विल नेवर लर्न, यू विल नेवर लर्न टू स्विम एंड दैट विल हैव दैट इफेक्ट. और अगर मान लीजिए ऐसा आप ये इंडिया में तो चलो स्विमिंग का इतना कोई टेंशन नहीं है, मगर ऐसा कोई चीज हो जिसकी जरूरत है, मे बी समथिंग लाइक एजुकेशन, एजुकेशन की जरूरत है, इंग्लिश की जरूरत है, आज आप नहीं सीख पा रहे, आज कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है एंड नोबडी हेल्प्स हिम, और आगे चल के वो उसके दिमाग में रहेगा, दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम कि मेरे से नहीं हो रहा. दैट विल रिड्यूस द सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल, अ लॉट ऑफ थिंग्स. या तो वो बच्चा उसके लिए एग्रेसिव हो जाएगा, बंदा बच्चा व्हाटएवर यू कॉल इट, कि नहीं हम तो हिंदी है ऐसा व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज कि एवरीथिंग हैज अ साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर इन योर माइंड एंड यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को कौन सा टर्न लेना है. एंड आपका आप आपका जिम्मेदारी बनती है, आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो करेक्ट पाथ जाए, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आपके सिस्टर हैं, आपका दोस्त है, आपका साथ वाला कलीग है. इट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड कि भाई उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे अफेक्ट करेगी, राइट? बिल्कुल. यू हैव टू डू दैट और यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम. ये दो ही ऑप्शन है. इफ यू स्टे विद देम देन इट्स योर जिम्मेदारी. हाँ हाँ. सो डॉक्टर, आजकल क्या, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15 इयर्स नाउ और मोर, कि बच्चों में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलने लगी है. सो इज इट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस या इज इट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल या इज इट अगेन द स्ट्रेस? इट्स एक्चुअली स्ट्रेस. इट्स एक्चुअली व्हाट आई हैव सीन इज बच्चे बहुत इग्नोर हो रहे हैं आजकल. दैट्स ट्रू. अटेंशन डेफिशिएंट डेफिशिएंसी इज वेरी 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 कॉमन दीज डेज. बच्चों को इग्नोर किया जाता है. द होल अटेंशन इज गिवन ऑफ अबाउट व्हाट वी थिंक अबाउट द चाइल्ड. ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि भाई बच्चे को ये आना चाहिए, बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए, बच्चे के दिमाग में ABCD होनी चाहिए, फिर उसके दिमाग में मैथ्स होना चाहिए, फिर उसके दिमाग में साइंस होना चाहिए, राइट? हम क्या सोचते हैं उसको ये ना दिखे, उसको वो ना दिखे. वी डोंट बहुत इवन चलो इसको छोटे बच्चे से लेके ग्रोइंग एज तक ले जाए, अगर एवरीबडी मतलब मैक्सिमम पीपल डोंट बॉदर कि भाई बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या, तो बच्चों के दिमाग में दैट इज अ बिग बिग स्ट्रेस टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन. और फिर एक टाइम आता है उनका जब रिबेलियस फेज आ जाता है, यार छोड़ो क्या फायदा है, खुश खुश करके कोई मतलब नहीं है, हम अपना रहेंगे. सही बात है. सो या इसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली. सो वो कहते हैं ना, बच्चों को अपना दोस्त बनाना जरूरी है, थोड़ा सा डर भी जरूरी है, सो दैट दे स्टे इन द लिमिट्स एंड देयर हैज टू बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ दैट. सो इट्स इजीियर सेइंग देन डूइंग. ऑब्वियसली कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. और ये बस इतना है कि आपको फैक्चुअली मेरे हिसाब से ना, दुनिया में एक अच्छा इंसान वही है जो अपने आप को छोड़कर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना समझ जाए. अगर आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हो तो आप देख पाओगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत कहाँ है, सही कहाँ है. ओनली देन यू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, और एल्स भैया आप एक क्या बोलते हैं, इसकी तो ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती. ट्रेनिंग नहीं मिलती जी, इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती. इसके लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए होता है. एग्जाम्पल इन द सेंस, अगर आप किसी को देखते हो जो सेल्फिश है, जो अपने ही बारे में सोचता है, मे बी द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट इज लाइक दैट एंड दे गेट व्हाट दे वांट, सो यू टेंड टू बिकम लाइक दैट, राइट? सो इट्स अ रोल मॉडल थिंग. एवरी चाइल्ड हैज सम रोल मॉडल्स. इफ यू डोंट बिकम अ रोल मॉडल, दे विल पिक अनदर रोल मॉडल. इट्स वेरी सिंपल. दुनिया में लोग आए हैं और एवरीबडी आर कॉपिंग पीपल. हम क्लोन्स हैं, हम क्लोन बनते हैं. हम एक चीज किसी से सीखते हैं, दूसरी चीज किसी से सीखते हैं, तीसरी चीज किसी से सीखते हैं. हम कुछ इजाद नहीं करते, राइट? हम कुछ इजाद नहीं करते. सीख सीख के इसमें से थोड़ा मिला लेके ये देखो नया बना. ऐसा कुछ नहीं होता. आपने कुछ नहीं बना, बनाने वाला कोई और है, आप तो सिर्फ सीख रहे हो.
हमें क्या हम क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमारा हमारे हम क्या सीखें वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और यही सब कुछ है कि अच्छी चीजें सीखना बुरी नहीं. राइट. आज आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात भी कर दी. अगर हम मेडिटेशन की स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इससे भी क्या आपको लगता है स्ट्रेस कम हो जाता है? बहुत जरूरी है. यू शुड हैव समवन इटर्नली. आपका एक फेथ होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी अ रिलीजन. यही रिलीजन है ना, वही रिलीजन है. बट देयर हैज टू बी समवन हु यू गो टू व्हेन यू फील इज नॉट राइट. नॉट राइट एंड दैट विल नॉट बी अ पर्सन. It's not necessary to be a person. It is better if it is not a person. It is much better that if it is not a person and it's inside you. It's inside you, meaning you have that thought that there is someone watching you, and maybe if you will urge, if you will ask for help, they will help. Right? Right. That is there. That's the truth. वो है, दुनिया में है. There is कोई ऐसा एक particular person नहीं है, ऐसा कोई religion नहीं है. बट इट इज देयर. एंड वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके माइंड में, आपके आपके बच्चों के माइंड में आज एक होना चाहिए. सो आई डोंट रियली बिलीव दैट कि भगवान ऊपर से देख रहे होंगे. बट आई डू बिलीव दैट ही इज प्रेजेंट इनसाइड द माइंड, इनसाइड एवरी पर्सन माइंड. एंड इफ यू डोंट टैप इन टू इट, इट्स जस्ट लाइक, इफ यू डोंट टैप, इट्स जस्ट लाइक अ बाथरूम इन योर हाउस. इफ यू डोंट गो इनसाइड द बाथरूम, आप गंदे होंगे. आप सामने आप थोड़े दिनों में बीमार होंगे. सो सेम थिंग गोज इन द, इफ यू डोंट गो इनटू अ क्लीनिंग एरिया ऑफ योर माइंड, इफ यू डोंट इनटू अ विजडम एरिया, इफ यू डोंट टैप इनटू दैट एरिया, सो आपकी कहीं ना कहीं आपके माइंड में इविल थॉट्स, आपके ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे. सर अगली क्लास आपकी मेंटल वेलनेस पे जरूर करेंगे हम. रियली आपने बहुत अच्छी बात की एंड इट्स लाइक लिसनिंग टू गुरबानी. Seriously, it's really nice. Maninder कह रहे हैं सर क्या जरूरी है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है उनका स्पर्म काउंट भी कम होगा? नहीं, एक्चुअली नहीं. टेस्टोस्टेरोन हम टोटल और फ्री से देखते हैं. इफ योर टेस्टोस्टेरोन टोटल अमाउंट लेस भी हो फिर भी आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल हो सकता है. इट्स जस्ट लाइक आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी गाड़ी स्लो चलेगी. ऐसा नहीं हो सकता. आप भगा भी सकते हो पर वो ज्यादा नहीं चलेगी. सो दैट्स हाउ इट इज. सो इफ टेस्टोस्टेरोन इज लेस दैट डज नॉट मीन कि आपका स्पर्म काउंट कम रहेगा. बट योर बॉडी समटाइम्स कम है, टोटल भी कम है, आप उसको इस्तेमाल भी नहीं करते. आपने गियर नहीं डाला. कई बार ऐसे होता है यार गियर नहीं डाला, फर्स्ट गियर पे भगाऊंगा, तो फर्स्ट गियर पे नहीं भगेगी गाड़ी. So gear down, you have to exercise, you have to get your sleep to tap into those testosterone. Agar aap keh rahe ho na tap kiye testosterone badh jaye bina kare na, aisa thodi hota hai, hai ki nahi? बिल्कुल. मेडिटेशन की बात करते करते डॉक्टर रंजिता है यहाँ पर. आई डोंट नो इफ इट्स डॉक्टर, इट्स डीटी. ओके रंजिता, a dietitian. All right, sorry, dietitian. Ranjita, yoga or breathing exercises are really good to reduce stress and related issues, she's asking. Absolutely, breathing is number one. Yoga is just a way to breathe. It's just way to concentrate on breathing. See, right. Everything in your body works in with oxygen. ठीक है, so oxygen रहता है तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और जो स्ट्रेस रिलेटेड आपकी बॉडी जो है फंक्शन बेटर कर सकती है. यू फील बेटर विद ऑक्सीजन. राइट. इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको. कुछ मूवीज में अगर आपने देखा है तो जो क्लब्स होते हैं, जो कैसीनोज होते हैं, सो एयर देयर इज फिल्ड विद ऑक्सीजन. वहां पे ऑक्सीजन डालते हैं, लाइट म्यूजिक डालते हैं, है ना, आपके लिए अच्छे अच्छे ड्रिंक्स देते हैं और वहां पे लड़कियां भी होती हैं. तो दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर यू ब्रीथ नाइसली, यू स्टे फ्रेश एंड यू फील रिलैक्स एंड यू आर लाइक वाओ मैं तो यहाँ से कभी जाऊंगा नहीं. जन्नत. करेक्ट. सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज जस्ट अ वे टू गेट इन मोर एयर. बाय दैट वे यू गेट मोर ऑक्सीजन. उसके लिए जरूरी है आपका एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हो. यानी फैक्ट्री में जाके या तो वहां चले जाए या फिर घर पे बैठ के ब्रीदिंग करे. हाँ, ब्रीदिंग करे. सड़क पे खड़े होकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ. आपके और ज्यादा गंदगी है. सो डस्ट है, वो है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है. सो देयर हैज टू बी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग इट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यार मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ,
क्या फायदा? अगर आपको पता है कि यू आर ब्रीदिंग इन टू टेक मोर ऑक्सीजन, देन यू विल सी कि हाँ लेट्स गो टू सम हिली एरिया, कोई ऐसा जहां मेरे छत पे प्लांट्स है, मैं सुबह वहां चले जाऊँ एंड गो एंड ब्रीथ देयर, है ना? Right. कोई चलो मैं बाथरूम में बैठ के ब्रीदिंग करता हूँ, वो थोड़ी करना है, समझ रहे हो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. डॉक्टर, देखिए अब यू हैव एक्चुअली गिवन बर्थ टू अनदर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अब मुंबई जैसे सड़कों पे जहां पर सुबह के वक्त में भी अगर आप निकले तो हवा में या फिर दिल्ली में भी स्मॉग होता ही है, तो आप वॉक करने जाएं तो ये हेल्दी है या और ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है? अनहेल्दी हो जाता है. अगर आप सड़क के किनारे वॉक कर रहे हैं, इट्स डैम अनहेल्दी. यू हैव टू फाइंड अ गार्डन, यू हैव टू फाइंड अ एरिया वेयर देयर आर ऑल बहुत सारे प्लांट्स हैं. अगर आपके एरिया में है तो दैट इज वेरी हेल्दी, और एल्स द क्लोज्ड एनवायरनमेंट ऑफ योर हाउस इज हेल्दी. राइट राइट. मनिंदर धिल्लन कह रहे हैं, व्हाट इज द सुपर फूड फॉर लोअरिंग स्ट्रेस? एक तो अश्वगंधा डॉक्टर ने बता दिया, और कोई स्ट्रेस को कम करने के लिए फूड है? देखो अश्वगंधा इज वन ऑफ द सुपर फूड टू लोअर स्ट्रेस. द अदर सुपर फूड इज एक्चुअली वाटर, पानी. यू नो बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, मेनी टाइम्स ऐसा देखा गया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू इग्नोर व्हेन यू आर नॉट पुटिंग, यू नो, जो दुनिया में अगर कोई अगर ऐसा मानेंगे ना कि खाने पीने में हेल्थ एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इग्नोर की हुई चीज है तो पानी. सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है कि मैं, मतलब हाँ, 90% ऑफ द पीपल डोंट, वैसे हेल्थी वाले लोग भी नहीं पीते, हेल्थ सोचने वाले लोग भी नहीं पीते, जो सुबह सुबह वॉक करते हैं वो भी, वो लोग भी पानी कम पीते हैं. सो पानी इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज फ्रॉम माई साइड इज वन ऑफ द सुपर फूड्स. सो पानी पे अश्वगंधा एंड एक्सेट्रा 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 जितने भी सुपर फूड्स है वो सब एडिशनल बेनिफिट्स हैं एंड दे आर गुड. But you cannot go away from the basics. Basics are basics. Wonderful. और अश्वगंधा के बारे में सवाल है कि 100,000 mg is normal? 250 से शुरू कर सकते हैं, depending upon your stress level. कई लोगों को अश्वगंधा से थोड़ी बॉडी में गर्मी हो जाती है, पिंपल्स आने लगते हैं, तो it depends upon the case to case basis, because obviously it will increase your testosterone, increase the metabolism, तो थोड़ा बहुत muscle size भी बढ़ाता है. So there are many benefits of अश्वगंधा. So, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 250 से शुरू करो. मेरे हिसाब से जिसको, मेरे को बहुत स्ट्रेस लगता है, इंसान बहुत स्ट्रेस है, तो फिर मैं उसको 500 भी दे देता हूँ सुबह शाम खाने को. सो इट डजंट मैटर, लोग रात को खाते हैं. तो ऐसा कोई रेकमेंडेड डोज नहीं है अश्वगंधा का, इट जस्ट हैज टू बी टेपर्ड डाउन, लाइक जैसा आप करते हैं अपने हर एक के लिए. आपके लिए एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, कोई रेकमेंडेशन इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अच्छा, फिट फ्लाई कह रहे हैं, सर जी जट रहे हैं आप, सारा मुगल कह रही है. आखिरकार गोकी ने टी शर्ट भेजी जो मुझे आती है, पहले जो हाँ मेरे पास भी कल पहुंची है, मैं कल पहनूंगी. आखिरकार पहले मेरे को भेजी थी छोटी साइज की, मैं कह रहा हूँ मेरे को आने वाली नहीं है. हाँ, तो सर का राज ये भी है कि आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, चाहे रात में करें लेकिन आप जरूर जरूर एक्सरसाइज करते हैं, ये भी बेसिकली स्ट्रेस बस्टर है. Well, yes, exercise is very good. Exercise is a very good stress buster. But I regret one thing. I am not able to run. मेरे को running का एक है, but मेरे को कई लोग हैं जो अगर हम मतलब ये करने लग जाए ना, running करने लग जाए, running is one of the best exercise. If you go out and do the running thing, अब वो चीज है जो मेरे मतलब next level है, जो मेरे mind में है कि मुझे achieve करना है, वो मैं करूँगा. Excellent. सारा मुगल है जो कह रही है वो पाकिस्तान से है और कह रही है आपसे डिस्कस करना था स्किन प्रॉब्लम, आप इंस्टा पे बात कर सकते हैं क्या? मैं इंस्टा पे एक्चुअली बात बीमारी के बारे में तो नहीं करता हूँ. आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें, और पाकिस्तान से वैसे बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आते हैं, और बहुत लोगों को ऐसे एक्चुअली क्या हो जाता है कि मोर देन 1000 रिक्वेस्ट आते हैं एवरी डे. इट्स वेरी, और प्लस इतने सारे काम होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एवरीबॉडी, एंड एवरीबॉडी थिंक्स दैट देयर प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट. सो एवरीबॉडी, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मेरे को दूसरों को दे दो, ऐसा कुछ नहीं है. सबका इंपॉर्टेंट है और सबकी इमरजेंसी है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम किसको चूज करें किसको नहीं, राइट? आप व्हाट्सएप से मैसेज करिए. और देखो सबसे अच्छा पता क्या होता है, अगर आप एक शॉर्ट में सवाल पूछोगे ना कि भाई ये सवाल है कि ये बीमारी है, इसके लिए ये करना चाहिए एंड
sometimes what I do is I just send a link of the video to that person कि ये देख लो, बिल्कुल सब समझाया हुआ है, इसको सब समझा दो, वो person क्या बोलेगा, नहीं नहीं आप मेरे को बताओ, आप मेरे को 5 मिनट बात कर लो, आप मेरे को पर्सनलाइज, आप मेरे को 5 मिनट बात, मैं क्या फिर आप ऐसा करो एक पेड कंसल्टेशन ले लो प्रॉपर, नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा पर मेरे से बात कर लो, So I get it. Stress is born in your mind and brain, and there is only one proper option which can purify and kill all of your stress is Bhagavad Gita. I think Dr. Saab ne iske baare mein already baat kar li hai about the spirituality part. Stress ka root cause bhi humne almost discuss kar liya hai. Mr. Waste keh rahe hain, hello Dr. Saab, someone trying to repair every situation solo is equal to stress. Unnecessary thinking se bhi stress paida hota hai kya? नहीं ऐसा नहीं है यार, आई थिंक अननेसेसरी थिंकिंग रादर आइसोलेटेड माइंड थिंकिंग अबाउट थिंग इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी. ऑल यू नीड इज, यू सी ऑल यू नीड इज, प्रॉब्लम पता है दुनिया में क्या है, प्रॉब्लम है कि वी डोंट गो स्लो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू रश टू द यू नो द मैक्सिमम प्रोफेशनल पार्ट ऑफ इट. मान लो आप अगर कहीं पे जिम में भी जाते हो और स्विमिंग भी करते हो, बच्चे को भी स्विमिंग कराते हो, तो पहले एक छोटे लेवल पे उसको स्विमिंग सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे डीप में जाते हैं, डीप में जाते हैं, डायरेक्ट जाके थोड़ी मैं डीप में कूद ही मारूंगा. सो लाइक पीपल आर लाइक, अभी जैसे जैसे दो चार कमेंट आ गए, सो पीपल आर थिंकिंग स्ट्रेस इज बैड. नो, स्ट्रेस इज नॉट बैड, स्ट्रेस इज नॉट बैड, स्ट्रेस इज बैड इफ यू कैनॉट हैंडल इट, राइट? वेरी गुड, एक्सीलेंट. कैनॉट हैंडल इट, सो इफ यू कैन हैंडल इट, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी गुड फॉर यू. भगवान ने ऐसा एकदम से आ गया जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, देन यू नीड हेल्प, देन यू नीड फैमिली सपोर्ट, राइट? अगर वैसा कोई सपोर्ट नहीं है, देन दैट्स अनफॉर्चुनेट, राइट? दैट्स अनफॉर्चुनेट. ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस से समझना ही नहीं चाहते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है. हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि स्ट्रेस तो बुरा है. एवरीबॉडी स्टॉक स्ट्रेस इज बुरा, स्ट्रेस के वजह से ये हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स कि यस, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज प्रेशराइजिंग यू टू अ लिमिट. आपको स्ट्रेस अच्छा नहीं होता तो बच्चों के एग्जाम काहे लेते, आपको ऑफिस में टारगेट क्यों मिलता, आपको मंथली टारगेट मिलता है, आपको एग्जाम मिलता है, आपको ये मिलता है, टाइम पे ऑफिस आना होता है, भाई आराम से करो काम, करने करो नहीं करो पैसे बोल देते आपको, जितना जो काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, इतना बोल देते, बिल्कुल है ना, उसका भी स्ट्रेस हो जाता है. छोड़ो यार, पैसा तो बहुत है मेरे पास, पैसा ज्यादा कमा के क्या कर लेंगे, कोई आराम से बैठा रहता है, ऐसा नहीं है. एवरीबॉडी हैज टू अंडरगो सम स्ट्रेस, बिकॉज़ स्ट्रेस इज राइट. Absolutely. लेकिन अब डाइटिशियन रंजिता का कहना है कि स्ट्रेस अफेक्ट्स ऑटोइम्यून डिजीजेस और वाइस वर्सा. आई थिंक वो साइकिल है ना? नहीं देखो, स्ट्रेस इज जस्ट अ स्टेज ऑफ अ भूकंप, ऑफ शेकिंग समथिंग इन योर बॉडी. भूकंप मतलब शेकिंग भी नहीं कहना चाहिए, स्ट्रेस वेयर योर आपकी जो बॉडी है थोड़ा तेज चल रही है, समथिंग इज देयर व्हिच सारी कुछ एक्साइट हो रहा है, योर शुगर लेवल्स विल बी हाई, योर हार्ट बीट, योर बीपी विल बी हाई. सो अगर कोई बीमारी है, इट्स अ समथिंग लाइक अ चैलेंज, समझ लो है. अगर हम चैलेंज में जाना भेजते हैं किसी को, तो घर के बीमार इंसान को नहीं भेजते, हम बोलते हैं भाई हेल्दी आदमी जाओ, जंक फूड जाओ, है ना, हेल्दी आदमी जाओ, बीमार आदमी मत जाओ. सो यहाँ अगर एक इंसान ऑलरेडी बीमार है, तो उस इंसान को स्ट्रेस में डालने से बीमारी बढ़ सकती है, दैट इज ट्रू, राइट? स्ट्रेस इज फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर रिकवरी. Stress is not for growth, it's not for recovery. अगर आप बीमार हैं, you are already in stress, so you have to first recover. So एक इंसान जिसको autoimmune disease है, उसको unnecessary physical mental stress ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसका फिर वो कम और ज़्यादा threshold कम हो जाता है. Step wise धीरे-धीरे छोटे चलने पड़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. मनिंदर कह रहे हैं सर आपकी एक एक बात सुनने वाली है, बिल्कुल, और इसीलिए इनके सुनने वाले लाखों लोग हैं. मनिंदर ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि बाथरूम में तो बंदा अब नेक्स्ट टाइम ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा भैया, बेहोश हो जाओगे 2 मिनट में. आते हैं बाथरूम में, ज्यादा ब्रीथ कर लिया, आजकल जो गैस गैस के हीटर्स होते हैं ना, पॉइजनिंग करके कराने लग गए, ये आ गए, ज्यादा ब्रीदिंग करने भी नहीं बाथरूम में. अच्छा, ओके. वी आर ऑलवेज इन अ हरी, बट द आयरनी इज वी नेवर रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, इज डॉक्टर आशीष तिवारी सिंह. तो वो भी एक स्ट्रेस है.
एंग्जायटी के बारे में दो तीन सवाल हैं. ए मैन है, एंग्जायटी स्प्रिंटर्स है, और यहाँ पर संदीप साखरे भी है, गोलकीपर, जो कह रहे हैं हैविंग जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर. तो ये भी स्ट्रेस रिलेटेड ही है या ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस है? स्ट्रेस का भाई है ये, एक्चुअली स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस इज अ इज व्हाट हैपेंस टू यू एंड एंजाइटी इज हाउ यू फील अबाउट द स्ट्रेस. ठीक है, ओके. हाँ स्ट्रेस इज हाँ व्हाट हैपेंस टू यू. मे बी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, यू लॉस्ट योर जॉब, मे बी आपका एग्जाम आने वाला है, मे बी यू लॉस्ट सम मनी, 100 times यू लॉस्ट लव, कोई छोड़ गया, कोई पता नहीं हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस माइट बी देयर. पढ़ना है, भागना है, that is stress. And anxiety is how you feel about it, right? If you are worried about it all the time, then that is anxiety. So anxiety is lack of confidence. First thing is that anxiety is lack of confidence. वो बचपन से आता है, right? If you haven't won some battles, you will be anxious कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, right? It's simple. अगर आपको it's that's how a बच्चे का childhood is there. Anxiety वाले बच्चे की में गलती हो जाती है टीचर्स की, पेरेंट्स की और उनके जो बड़े होने वाले लोगों की, कि आपको था कि बच्चे को बचपन से जो स्ट्रेस मिलता है उस पे उसको जीत मिले. अगर वो जीतता है, और हारता भी जरूरी है, हमेशा जीत रहा वो भी खराब है, राइट? जीत हार रहेगी एंड दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी इज नॉट नीडेड. राइट, एग्जाम एंजाइटी होती है, एग्जाम पास होगा नहीं होगा, मैं एग्जाम में दूंगा, तो एंजाइटी इज हाउ यू फील एंड दैट इज जस्ट बिकॉज यू हैवंट यू आप जीते नहीं हो, तो आप जीतना शुरू करो, चाहे पबजी खेलो, चाहे कुछ खेलो, राइट? एनी काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट विन इन योर माइंड विल अफेक्ट विल रिड्यूस योर एंजाइटी. डजंट मैटर वो आपके फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है, बट एनी विन विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर. आई थिंक आज आपने हमारा स्ट्रेस विद योर स्पिरिचुअल टॉक्स एंड विद द यू नो रेस्ट ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव इम्पार्टेड इससे जरूर कम कर दिया है, और एक बार फिर से याद दिला दिया है कि स्ट्रेस लेना नहीं है लाइफ में, लेना है तो अच्छा वाला स्ट्रेस लेना है, इससे आप बेटर कर पाएंगे फॉर ग्रोथ. लाइक यू राइटली सेड, ग्रोथ के लिए स्ट्रेस है, इट्स गुड फॉर यू. एंड अगर बीमार है तो आपको और तकलीफ ही होगी स्ट्रेस से, तो मेक श्योर दैट यू टेक स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव मैनर. एब्सोल्युटली, चलिए. यस डॉक्टर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू नेक्स्ट मंडे. बाय बाय विद गोकी, बी द फोर्स. बाय.